गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाने की वजह से लोगों ने अब मतदान बहिष्कार तक की चेतावनी दे डाली है। मामला सरायपाली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 झिलमिला का है, जहां के लगभग 40 परिवार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के बाद भी अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सरायपाली नगर पालिका क्षेत्र के झिलमिला के कई परिवार वर्षों से इस वार्ड में हो रही निवास कर रहे हैं, जो कच्चे मिट्टी के मकानों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के शुरू हो जाने के बाद ऐसे शहरी झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली है, लेकिन जिस स्थल पर ऐसे लोग निवास कर रहे हैं उस जगह को गांव के कोचिया परिवार अपना शहर बताकर वहां प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य होने से रोक लगा रहे हैं, जिससे लगभग 40 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृति के बाद भी मकान निर्माण का काम नहीं कर पा रहे हैं। वहां के निवासियों के लोगों से जब प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ली गई तब उनका कहना था कि उनके स्वीकृति के बाद भी मकान निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे वह काफी परेशान हैं। कई लोग अपना मकान भी तोड़ चुके हैं, वहीं कई लोग कच्चे मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना था कि चुनाव के पहले आवास योजना के तहत मकान निर्माण का काम प्रारंभ नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। आपका नाम? कहाँ रहते हैं? झिलमिला वार्ड क्रमांक 9। ये आप लोग प्रधानमंत्री आवास आप लोगों का पास हुआ है, आप लोगों का मकान बन रहा है? नहीं। क्यों नहीं बन रहा है? तो गोटिया परिवार वाले आपत्ति कर रहे हैं। आपत्ति तो अभी आप लोगों का मकान तोड़ चुके हैं आप लोग? नहीं तोड़े। तो पास हुआ है? पास हुआ है। तो ये आपत्ति होने के कारण आपका रुका हुआ है, आगे क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? हम लोग आगे वोट देने नहीं जाएंगे। हाँ, हम लोग आगे वोट देने नहीं जाएंगे और हो सके तो चक्का जाम भी करेंगे। मकान बन जाना चाहिए। चुनाव से पहले यदि मकान नहीं बनता है तो आप लोग चुनाव में वोट नहीं डालेंगे? हम लोग वोट नहीं डालने जाएंगे और चक्का भी जाम करेंगे। कितने परिवार ऐसे हैं जिनका मकान पास हुआ है और नहीं बन रहा है? 27 परिवार। चालीस 45 परिवार। तो ये आवास आप लोगों का कहाँ से पास हुआ है? प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास उसमें पास हुआ है? हाँ। नगर पालिका से? हाँ। तो अभी तक आप लोगों का काम चालू नहीं हो पाया? पहले तो शौचालय बन गया है, नाली बन गया है, रोड भी बन गया, सब हो गया है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। हाँ। तो ये आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हम लोग का आवास बनना चाहिए। आवास बनना चाहिए। हम लोग पटा नहीं जाना चाहिए। 100 साल तो हो गया है हम लोग यही दादी परदादी से। हम लोग तो नहीं जानते हैं ये हम लोग रह रहे हैं। हाँ, वैसा बोल कर हम लोग को पता भी ना कब से रह रहे हैं। जो अभी तक फिर भी आप लोगों को आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। आपका नाम? मेरा नाम दिलदारदीप। कहाँ रहते हैं? ग्राम झिलमिला वार्ड क्रमांक 9 का रहने वाला हूँ सर। ये आप लोग बहुत सारे यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या काम से जुटे हैं? हमको मोदी आवास नहीं मिल रहे हैं, गौटिया लोग हमारा आवास में स्टे लगा दिए हैं। हम लोग यहाँ के मूल बासिंदा हैं, जब जब यहाँ गाँव बिठाया गया है तब से हमारे दादा परदादा लोग थे, हमको मालूम नहीं कब से बैठे हैं। आप लोगों को अभी तक आवास नहीं मिल पाया? आवास को स्टे लगा दिए हैं गौटिया लोग और आवास का फायदा हमको मिल नहीं पा रहे हैं। कितने परिवार हैं? हम लोग कम से कम 40 परिवार हैं जो अभी आवास से वंचित हैं सर। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या बता रहे हैं वो लोग? गोटिया स्टे लगा दिया है, जबकि हम लोग यहाँ के मूल बासिंदा होते हुए भी हमको पट्टा भी से भी वंचित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास से भी वंचित रखा जा रहा है। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ के मूल बासिंदा हैं सर। शुरू से रह रहे हैं? जी, शुरू से, यहाँ से जब से बस्ती बसा तब से यहाँ। तो आप लोगों का मांग क्या है अभी? हम लोगों का मांग ये है कि अगर वोट से पहले अगर हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला तो हम वोट देने नहीं जाएंगे और अगर हो सके तो हम रोड में चक्का जाम भी कर सकते हैं। तो हमको घर भी चाहिए और पट्टा भी चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।